नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में मॉनसून का दौर जारी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बाड़मेर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा नियम 2024 लागू कर दिया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली छूट को निरस्त कर दिया गया है। अब ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया गया है। संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए। आयु सीमा छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 9 सितंबर 2019 से वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, लेकिन इससे पहले 22 जुलाई 2021 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ऐसे में राज्यपाल के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 22 जुलाई 2024 को पूरा हो रहा है। राजस्थान में अब नए राज्यपाल की नियुक्ति होना तय है, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार फिलहाल नए राज्यपाल की नियुक्ति के मूड में नहीं है। नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होने तक कलराज मिश्र ही इस पद पर बने रहेंगे। जयपुर जिला क्रिकेट संघ के अवैध चुनाव के आरोप में कार्यालय उप रजिस्टर सहकारी समितियों सवाईमाधोपुर ने संघ के सचिव सुमित गर्ग के लगाए आरोप को लेकर निर्वाचन अधिकारी क्रिकेट सवाईमाधोपुर को पत्र लिखा। जिला क्रिकेट दीपक राजगुट द्वारा कराए चुनाव को अवैध बताया। बता दें, जिला क्रिकेट संघ के चुनाव फरवरी 2022 में हुए थे, जबकि कार्यकारिणी का कार्यकाल फरवरी 2026 तक है। मामले को लेकर उप रजिस्ट्रार ने तुरंत चुनाव रोकने को कहा। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में माहौल एक बार फिर गर्मा गया। छात्र नेताओं ने एकत्रित होकर अपने खून से राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए पत्र लिखा। विधानसभा में कांग्रेस के बैतू विधायक हरीश चौधरी की ठाकुर के कुआं कविता को लेकर सियासत में जमकर बवाल उठ गया है। इस कविता को लेकर राजपूत समाज में गहरा आक्रोश है। इसको लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने विधायक हरीश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, कर्णी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत ने विधायक को धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी अपनी इस कविता पर माफी मांगे, वरना अंजाम बुरा होगा। झलावाड़ भवानी मंडी शहर के भवानी मंडी पंचायत समिति के नवीन भवन का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने किया। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने पौधारोपण भी किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे बोली कि यह मेरा परिवार है और इस परिवार की उन्नति और विकास के लिए हम कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ा भवन बनाया है जिसमें बैठकर गरीबों के लिए काम होना चाहिए। श्रीगंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहानी सहित 9 लोगों के खिलाफ एक डॉक्टर का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आज विधायक बिहानी के पक्ष में श्रीगंगानगर का बाजार बंद है। श्रीगंगानगर में रामलीला मैदान के नजदीक एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी की शुरुआत करेंगी, जो इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। सुशील गुप्ता ने बताया कि सुनीता केजरीवाल शनिवार को पंचकुला में एक बैठक के दौरान केजरीवाल की गारंटी की शुरुआत करेंगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा और कांग्रेस की तरह वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी होगी, ना कि मोदी की खोखली गारंटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के मुख्य सचिव की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की बीजेपी साजिश रच रही है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे जा चुका है। सीएम कोमा में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।